हाइपरओएस का अपडेट आना शुरू हो गया है और इस अपडेट में हमें मोस्ट पॉपुलर फीचर मिसिंग हमें नज़र आ रहा है इस अपडेट में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर वो कौन सा फीचर है जो कि हमें हाइपरओएस में देखने को नहीं मिलता है। पिछले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था और दिखाया भी था, जो कि अभी मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास एक पुराना फ़ोन है और इसमें ये जो फीचर है ना वो आसानी से यहाँ पर काम कर रहा है, जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस फीचर का नाम जो है वो है प्ले साउंड विथ स्क्रीन ऑफ। तो यहाँ पर आपको ये फीचर इस डिवाइस में तो मिल रहा है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर रेडमी नोट 13 प्रो है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें ये वाला जो फीचर है ना वो मिसिंग है, जबकि यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट इसमें हाइपरओएस का है। तो इस फीचर को आप किसी भी हाइपरओएस अपडेट में इनेबल कर सकते हो। मैं आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हो। मैं तो ऐसे बहुत ये यूज़ करता हूँ ये फीचर, और बहुत दिनों से मैं यूज़ करते आ रहा हूँ। जब से MIUI 12 आया था तब से ये फीचर आया था और अभी तक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि YouTube की तरफ से और Android की तरफ से ये यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि जो भी यहाँ पर UI में इस तरीके का फीचर है जहाँ पर YouTube वीडियो को बैकग्राउंड में प्ले किया जाता है, वहाँ पर ऐसे फीचर को रिमूव करने के लिए बोल दिया गया है। और वो लोग अब धीरे धीरे करके अपडेट के ज़रिए इस फीचर को रिमूव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम पुराने फ़ोन को नहीं होगा, जो यहाँ पर MIUI 14 पर है, वहाँ पर आप जो सिक्योरिटी यहाँ पर अपडेट है ना, उसको आप जब भी अपडेट आए तो अपडेट मत कीजिए। अगर सिक्योरिटी अपडेट करते हैं, यहाँ पर एक एप्लीकेशन आता है, इसको अगर आप अपडेट कर लेंगे तो ये फीचर आपके डिवाइस से हट जाएगा। अदरवाइज अगर अपडेट नहीं करते हैं तो ये फीचर आपको काम करता हुआ नज़र आएगा। उसी तरीके से हाइपरओएस में आपको इसी सिक्योरिटी को यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा, जो कि मैं यहाँ पर वर्जन दिखा देता हूँ इसको। यहाँ पर मैं लेकर चलता हूँ यहाँ पर ऐप इन्फो में, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सिक्योरिटी वर्जन है ना वो है 8.2.2 इस तरीके से। तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप जाके इजीली डाउनलोड करके और अपने हाइपरओएस वाले किसी भी फ़ोन में इसको इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे इंस्टॉल करोगे तो ये जो फीचर है ना वो इनेबल हो जाएगा, और आप कमेंट करके बता सकते हो कि क्या आपके फ़ोन में ये फीचर इनेबल हुआ है या नहीं हुआ है, उसका दूसरा उपाय सोचा जाएगा। क्योंकि ये बहुत ही मतलब कि अच्छा फीचर है, जो कि हमें देखने को मिल जाता था MIUI में, लेकिन हाइपरओएस के अपडेट आने के बाद से ये फीचर मिसिंग हमें देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो यहाँ पर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए।